तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने जा रहा हूं, ये बड़ी ही मज़े की वीडियो होने वाली है। इसका जो सा थंबनेल है वो भी बड़ा मज़े का है। इवन के एक साइड पे मोदी की तस्वीर बनी हुई है और साइड पे रोबोट है, मैं जैसे वो यार साइबर बॉब होता था ना, साइबर बॉब वो टीन टाइटन्स में, उस तरह की ये मुझे लग रही है ये इसकी तस्वीर। और इसके टाइटल है इंडिया इन 2070, मगर 2070 में जो है ना इंडिया कैसा होने वाला है। तो इस वीडियो को लिया जा रहा है दी मिस्टिका लैंड से। मिस्टिका लैंड है या मिस्टिका लैंड है या माइटिका लैंड है, जो भी है तो या मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद करेंगे एज़ यूजल बातें। तो मैं उससे पहले अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी भाई, तो लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आखिर कल किसने देखा है। ये बात सच है। अच्छा। भविष्य के बारे में सही तौर पर अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं बता सकता कि अब दुनिया भर में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं। और बीते इस लॉकडाउन ने हमें यही एहसास कराया है कि जिंदगी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ कुछ भी होना मुमकिन है। जहाँ ये बात है। सही है, वहाँ ये भी सच है कि आज के वक्त में हो रही प्रोग्रेस, डेटा और बड़ी बड़ी कंपनीज के प्लान्स को स्टडी करके आप भविष्य के बारे में एक सटीक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। और आज हम इसी कोशिश में इस वीडियो में बताने वाले हैं वो घटनाएं जो आप 2070 से पहले होती हुई देखेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। इंडिया इन स्पेस, इसरो की कामयाबियों पर हम सभी को आज बहुत नाज है। फिर चाहे वो 104 सैटेलाइट्स को एक सिंगल रॉकेट में भेजकर दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करना हो, या फिर पहली बार में मंगल पर लैंडिंग करना, इसरो ने कम बजट के साथ ये सभी उपलब्धियां हासिल करके दिखाई। लेकिन इसरो में एक कमी है और वो ये है कि हम आज तक किसी इंसान को खुद स्पेस में नहीं भेज पाए और हमें हमेशा इसके लिए किसी दूसरे देश की मदद लेनी पड़ी। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। इसरो का ये अनुमान है कि साल 2023 तक भारत अपना पहला मैंड मिशन स्पेस में भेज देगा। लॉकडाउन की वजह से इसकी सटीक तारीख में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन भारत का पहला मैंड मिशन अब सिर्फ 3 या 4 साल में ही आपको देखने को मिलेगा। इस अभियान का नाम गगनयान रखा गया है। 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस अभियान का लक्ष्य 3 लोगों वाले एक स्पेस क्रू को 5 से 7 दिन तक स्पेस में ले जाकर वापस लाने का है। राइज ऑफ पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट, एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश चीन की जनसंख्या लगातार बूढ़ी होती जा रही है और उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ में भी रुकावट आने वाली है। जिसका मतलब है कि भारत 2024 में ही चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। 2042 आते आते दुनिया की कुल जनसंख्या 9 बिलियन पहुंच जाएगी और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत में गरीबी, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं पैदा हो सकती है। इसके साथ ही कहते हैं इतने सारे लोगों की जरूरतें पूरी करने और उनके रहने के लिए जगह तलाशते 2050 तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। साथ ही 50% से ज्यादा जनसंख्या के पास शायद पीने के लिए पानी भी नहीं होगा और दुनिया के 70% से ज्यादा आबादी इस वक्त शहरों में रह रही होगी। 2037 में माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक की सारी आइस पिघलकर आर्कटिक ओशियन में चली जाएगी, जिससे समुद्र का स्तर भी बढ़ सकता है। यूं तो इससे काफी नुकसान है, पर चीन को इससे निजी तौर पर ये फायदा है कि उनके लिए यूरोप से व्यापार का एक और समुद्री रास्ता भी इससे खुल सकता है। एलन वो कैसे आने वाले कुछ साल पूरी तरह से एलन मस्क के होने वाले हैं। जहाँ भारत अभी स्पेस में जाने का प्लान कर रहा है, वहीं टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क 2024 में एक स्पेस क्राफ्ट मंगल ग्रह की तरफ भेज सकते हैं। इस स्पेस क्राफ्ट में एलन लोगों के बजाय पहले कार्गो मंगल ग्रह तक भेजेंगे और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो 2026-2027 में एलन का मन मंगल की धरती पर पहला ह्यूमन क्रू भेजने का भी है। कार्गो भेजने से एलन मस्क ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या बड़ी संख्या में लोगों को मार्स तक भेजा जा सकता है। साथ ही एलन मस्क का प्लान मार्स पर बस्तियां बसाने का है, जिसके लिए वहां पर बिल्डिंग मटेरियल से लेकर कंप्यूटर्स और न जाने किस किस तरह के उपकरणों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए बड़ी मात्रा में उन्हें धरती से ये सामान वहाँ भेजना पड़ेगा। इसके अलावा एलन मस्क के हिसाब से 2025 तक वो अपने न्यूरालिंक प्रोजेक्ट को भी पब्लिक के सामने ले आएंगे। न्यूरालिंक वो प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसमें एक इंसान के सर में ड्रिल करके उसके ब्रेन में चिप फिट की जाएगी,
जो ब्रेन की ही इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। इस चिप का मकसद मानसिक रोगों से बीमार लोगों के दिमाग में बंद पड़ गए हिस्सों को फिर से एक्टिव करना होगा, जिससे पैरालिसिस से लेकर कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे लोग ठीक हो पाएंगे। एलन का मानना है कि 2040 तक आते आते तो ये चिप्स इस तरह से काम करने लग जाएंगी कि दो इंसान जिनके दिमाग में चिप इंसर्टेड है उन्हें आपस में बात करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सिर्फ इस चिप की मदद से ही एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड नासा। बहुत से लोग शायद ये बात ना जानते हो कि धरती के बाहर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहां हर 6 महीने या साल भर में नए एस्ट्रोनॉट्स रहने जाते हैं और वो वहां से ही धरती को ऑब्जर्व करते हैं, साथ ही स्पेस में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स को भी अंजाम देते हैं। 1998 में लॉन्च हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS को 2024 में डिकमिशन किया जा सकता है। ISS को फंड करने का ज्यादातर जिम्मा US और रूस का था, लेकिन हाल के कुछ सालों में इंटरनेशनल दबाव के कारण रूस की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है, जिस वजह से ज्यादातर भार US पर आ गया है। इसलिए इस प्रोग्राम को ही बंद करने की बात चल रही है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है इसे डिकमिशन करने के फैसले को शायद 2028 तक डिले कर दिया जाए, लेकिन अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बंद होना लगभग तय है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नासा बाकी चीजें प्लान नहीं कर रहा है। नासा ने 2030 तक अपना खुद का मैंड मिशन मार्स के लिए प्लान किया हुआ है और वो निरंतर तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही 2036 वो साल होगा दोस्तों जहां पहली बार नासा 2 स्पेस रोवर्स को हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हमारे ही सबसे नजदीकी तारे अल्फा सेंटुअरी की तरफ भेज सकता है। यहाँ के हैबिटेबल जोन में एक ऐसा प्लैनेट भी है जहाँ जीवन के मिलने की संभावना है, पर इस रोवर के वहाँ पहुँचने में 20 साल का वक्त लगेगा, तो वहाँ एलियंस की पुष्टि करने के लिए हमें 2056 तक रुकना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड क्लीन एनर्जी। दोस्तों ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर नए तेल के कुएं हमें नहीं मिलते हैं तो 2050 तक धरती के सभी फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे। फिर ना गाड़ी चलाने के लिए तेल होगा, ना बिजली बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल। इसलिए आप देखेंगे कि 2070 आते आते हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको पेट्रोल पंप से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस दुनिया में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हर तरफ स्मार्ट हाईवेज बनाने की भी बात चल रही है जिन पर गाड़ी चलते चलते खुद ही चार्ज हो सकती है, उसे कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है। एनर्जी के सेक्टर में आप देखेंगे कि 2070 तक हम सोलर और विंड एनर्जी से तो बिजली बना ही रहे होंगे, लेकिन हमारी ज्यादातर बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से आएगी। चीन जो अभी आर्टिफिशियल सन अपने आप बना रहा है, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी जिससे कोई रेडियो एक्टिव रेडिएशन नहीं निकलेगा, और ज्यादातर देश इसी तरीके से बिजली बनाना शुरू कर देंगे। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। 2045 साल आपको थोड़ा सा डरा सकता है। कहते हैं कि ये साल टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी का होगा, यानी 2045 तक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जटिल हो जाएगी कि किसी भी इंसान के लिए इसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। निश्चित तौर पर वो युग भी हो सकता है जब AI आखिरकार इंसानों को हर क्षेत्र में डोमिनेट करने लगेगी और इंसानों का उनके सामने कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। इसके तर तर्क ये भी है कि 2045 तक सभी इंसान अपने अंदर किसी न किसी तरह के टेक्नोलॉजिकल इम्प्लांट्स कराते रहेंगे जिससे मशीनों के साथ साथ हम भी समांतर गति से विकसित होते रहेंगे। तो ये बातें सुनकर क्या आप भविष्य के लिए एक्साइटेड हैं? या आप अगर हैं तो बताएं कमेंट्स। आप भविष्य को कैसे देखते हैं हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर कमेंट्स में बताएं। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अच्छा जी भाई, तो डैट्स फॉर इट फॉर टुडे। रिएक्शन वीडियो और बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और जहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो सी हैं ना वो मज़ा दिलाने वाली थी, और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो सा है ना थोड़ा सा निराश कर देने वाली थी कि इस तरह इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद इंसान सर्वाइव कर पाएगा। मुझे इस चीज़ की टेंशन रहती है क्योंकि आगे तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, जितनी देर हमें अल्लाह ताला ने सांसें दी हैं उतनी देर तक हम इस दुनिया में रहेंगे, जैसे ही वो सांसें ख़त्म हो जाएगी हम इस दुनिया से चले जाएंगे। पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट देख के कभी कभी दिल घबराता है कि यार इन सब चीज़ों के साथ हम सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। अगर आपको इस चीज़ का डर लगता है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, अगर नहीं लगता फिर भी बताइएगा, लगता फिर भी बताइएगा। तो अच्छा जी, डैट्स फॉर इट फॉर टुडे रिएक्शन वीडियो। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।